अन्नी पादो अन्नी पादो अरे इसलिए दुल्हन पराठा इसका नाम सजा रहे हो उसको। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रची से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं जवाद भाई। क्या हाल है जवाद भाई, कैसे कैसे मजे आ रहे हैं हैदराबाद के खाने खा के? जबरदस्त। अभी हमारा हैदराबाद के अंदर है, आज दूसरा दिन, और अगर आपने पहला हैदराबाद का पार्ट नहीं देखा तो पहले आप जाके वो देखाओ। आज के हमारे प्लान है हैदराबाद के बेहतरीन किस्म के खाने हमने खाने हैं, और यहाँ पे कोई दुल्हन पराठा, उसके बाद बॉम्बे बेकरी, उसके बाद यहाँ के बारबेक्यू, यहाँ की कढ़ाइयाँ, जो भी हैवी शपैक खाने में मिलते जाएंगे, कोई पुलाव शलाव चीज़ें, वो सारी आज हमने रगड़नी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। ये रेशम बाजार की बारीक गलियों के अंदर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं दुल्हन पराठा खाने। उस ढाबे का क्या नाम है? कैफे अफजल। कैफे अफजल का दुल्हन पराठा, ये सामने वही है? ओए होए होए, हैवी शपैक। पहली चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे कैफे अफजल का दुल्हन पराठा। दुल्हन पराठा, जब मैंने रिकमेंडेशंस के अंदर मुझे नाम आया था दुल्हन पराठा, मैंने कहा जाके इनसे पूछूंगा ज़रूर कि इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है। इनके पास कीमा पराठा है, चिकन पराठा है, मावा पराठा है, और ये सारी चीज़ें, बड़ा हैवी किस्म का शपैक लगा हुआ है, और इतने अंदरून बाजारों के अंदर एक सुबह सुबह वाइब अलग है, बिल्कुल अलग है इस जगह की। भाई आगे चार है इसमें, असलम भाई पाँच है, चार है ये भाई तेरे पास खड़े बराबर। नहीं यार, दूल्हा दुल्हन का लास्ट आ जाता ना, इसमें पब्लिक ने खुद नहीं रख दिया इसका दुल्हन पराठा। अच्छा, खुद ही? हाँ, कम से कम चल रहा 40 साल से चल रहा है ये तो। 40 साल हो गए इसी जगह पे, इसी जगह बाजार में। ढाई सौ, तीन सौ, चार सौ, अरे इसलिए दुल्हन पराठा है इसका नाम जी, सजा रहे हो उसको। आज एक हाट लिया हमने, थोड़ा साइड पे आके जगह ले लिया ताकि सुकून से हम दुल्हन पराठा खा सकें, और ये जो दुल्हन पराठा है, मुझे समझ आ गई कि इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है। इसको उन्होंने, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सुबह सुबह दुल्हा दुल्हन लेके जाते हैं अपने नाश्तों के लिए, तो हमने इसका, लोगों ने इसका नाम दुल्हन पराठा रख दिया, लेकिन ये जिस तरह इन्होंने इसको सजाया ना, ये इन्होंने इसको दुल्हन बनाया है। अच्छा, सीन बड़ा डिफरेंट है इनका कि पराठे पहले सब एक तरह के बनते हैं, प्लेन पराठा बनता है, अंदर कुछ नहीं होता, उसके बाद आपने अगर कीमा पराठा लेना है तो वो उसको कट करते हैं बीच में से, उसके गैप होता है उसमें कीमा फिल कर देते हैं बनाने के बाद, फिर उसके बाद जो चिकन पराठा है उसमें चिकन फिल कर देते हैं, जो मावा पराठा है उसमें मावा, अच्छा मावा यहाँ पे खोए को बोलते हैं, तो मावा फिल कर देते हैं और ऊपर भी डाला है, और ऊपर इन्होंने चिकन पराठे के ऊपर एक्स्ट्रा चिकन डाला हुआ है, उसके अंदर ऊपर एक लेग पीस रखा है, अंडे काट के डालें, बॉयल्ड एग्स डालें, उसके बाद स्ट्रॉबेरी कट करके डाली हुई है, और कीमे वाले के अंदर जो है वो कीमा फिल है, ऊपर काजू शाजू रख के, और जो मावे वाले के अंदर है, अंदर भी मावा है, ऊपर भी मावा है, और ऊपर काजू डाले हुए फ्राई। अब दुल्हन है, इतनी ईजी तो होगी नहीं, इसको खाना इतना आसान नहीं लग रहा, इतना फुली लोडेड किस्म का पराठा है, उठा के ये ऊपर जो है इसके अंडा रखा हुआ है, और साथ में अंदर भी चिकन है और ऊपर भी इसके चिकन है, तो खा के ज़रा दुल्हन को खा के देखते हैं। इंतहाई क्रिस्पी है, और अंदर की जो लेयर्स हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हैं, तीन चार लेयर्स हैं इसके अंदर पराठे के, और ऊपर इन्होंने एंड पे बनाने के बाद, चिकन वगैरह डालने के बाद, जो मसाला ऊपर छिड़का हुआ है, वो मसाला बहुत गेम उठा रहा है, बड़ा खट्टा खट्टा सा एकदम फील करवाता है, और साथ में काजू, और जो बॉयल्ड एग मुँह में आ रहा है ना, चिकन पराठा मसाला बॉयल्ड एग, और ये साथ में लेग पीस है, पराठा भी खा रहा हूँ और साथ ही लेग पीस, बड़ी डिफरेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार है, थोड़ी ड्राई भी है, मतलब बीच में चिकन आ रहा है, और साथ में जो ये लेग पीस जो है, इसको इन्होंने एक ही दफ़ा फ्राई करके रखा हुआ है, तो लेग पीस कोई बहुत आला किस्म की चीज़ नहीं है। इसको खाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, दुल्हन है, टक्कर तो पूरी लेगी आगे से। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ कीमे वाला, जिसके अंदर कीमे की फिलिंग है, और ऊपर इन्होंने वही श्रेडेड जो है वो चिकन ऊपर रखा हुआ है।
यार कीमे वाला पराठा भी उसी तरह जिस तरह चिकन का था, बस इसके अंदर आपको कीमे की फील आ रही है, सारा मसाला वही है, ऊपर उसी तरह चिकन डाला हुआ है, वैसी चीज़ें डाली हुई हैं। पराठा मज़े का है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल सी चीज़ है, मतलब ऐसे खिल रहा पे है वो, को समझ नहीं आ रही कि है की चीज़। और अभी मैं ट्राई करूँगा मावे वाला पराठा, मावा इसके ऊपर भी खोया है और ये मुझे बड़ी कोई बेहतरीन चीज़ लग रही है। इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो ओवरलोड नहीं किया हुआ, इसको बेचारे को जो है ना वो शरीफ दुल्हन बनाया हुआ है ऐसे सिंपल दुपट्टा वगैरह लेके। ओए यार ये मज़ा आया, गेम को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। आप सोचो खोया खा रहे हो पराठे के साथ, काजू डला हुआ है और पराठे के अंदर भी खोया है, ऊपर भी खोया है और पराठा शदीद क्रिस्पी है। पराठे का अपना एक टेस्ट बहुत मज़े का है, मतलब बीच में मुंह के अंदर वो खोया ऐसे ज़रा मज़े का खोया आ रहा है, साथ में क्रिस्पी पराठा आ रहा है, बहुत मज़े की चीज़ है यार ये खोए वाला ख़ास तौर पर। बाकी मैं बोल रहा हूँ अच्छे हैं लेकिन वो ज़रा बहुत ज़्यादा ओवर वो जो है ना उसको चीज़ें वगैरह ये वो सब वो आसानी से खाया भी नहीं जाता। टोटल बिल हमारा बना 1200 रुपये तीन पराठों के लिए और मेरे ख्याल से ये बहुत एक्सपेंसिव है, जिस तरह की चीज़ थी उसके हिसाब से 1200 तीन पराठे। बहुत आला किस्म की हलवा पूड़ियाँ खा लो तो भी इतना नहीं बनता। अभी चले बॉम्बे बेकरी। रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारुवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारुवड़न जी। बॉम्बे बेकरी का केक। अब यहाँ के हैदराबाद में ये सीन है कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से और आप यहाँ पे आके बॉम्बे बेकरी का केक नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने हैदराबाद टूर किया ही नहीं। किया ही नहीं मतलब आप हैदराबाद के आसपास भटके भी नहीं, भटके भी नहीं। अगर आपने बॉम्बे बेकरी नहीं खाई। जब हमें पता था कि आना है बॉम्बे बेकरी तो मेरे माइंड में एक था कि हाँ ठीक है एक बेकरी होगी उसके अंदर केक पड़े होंगे, लेकिन भाई ये एक अलग सीन है। इस तरह उसका गेट ऐसे जिस तरह आप किसी पता नहीं किसी DIG के दफ्तर से बाढ़ दे पे हो। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये, शुरू से यहीं पे साल से ज़्यादा हो गया। ये शुरू से यहीं पे 1911 में बॉम्बे बेकरी बनी थी और मेरा ख्याल है कि शुरू से यहीं है, ये शुरू में कहीं और होंगे फिर भी इन्हें बहुत साल यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा बॉम्बे बेकरी ने अपने जो बोर्ड के ऊपर लिखा भी है द शॉप इन अ बंगलो, तो ये 1911 से बनी हुई है और अंदर इनके बड़ी फैंसी मतलब इतनी सफाई से कि केक बड़े फासले पे पड़ा हुआ है ऐसे खूबसूरती में। और इनका मशहूर जो है कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इनका कॉफ़ी ओवररेटेड है। ओवररेटेड है डबल चॉकलेट इनका सबसे अच्छा है। मुझे नहीं पता, मैं भी ट्राई करूँगा, हम लोग दोनों लेंगे, डबल चॉकलेट भी लेंगे कॉफ़ी भी लेंगे। कॉफ़ी भी होगा ये चॉकलेट ये वाला लेना है या ये वाला लेना है? डबल चॉकलेट शायद ये बॉम्बे बेकरी से हमने अपने दो केक्स ले लिए हैं, एक लिए डबल चॉकलेट और एक लिए कॉफ़ी। भाई मैं बॉम्बे बेकरी को देख के हैरान हूँ कि क्या मतलब इस तरह की बेकरी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कभी नहीं देखी। वो बेकरी नहीं किला टाइप लग रहा था और उसके अंदर लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फैंसी किस्म की इन्होंने केक्स रखे हुए, कि फील ही आ रही थी कि प्राइस पूछेंगे तो पता लगेगा 10,000 रुपये का एक केक रखा इस तरह से हुआ था उन्होंने। और वैसे हम लोग चाय पीने कहाँ पे आए हैं? हम चाय पीने आगे कैफे सला पे हम चाय पीने आए हैं, साथ में भी चाय का ऑर्डर कर दिया वो भी आने वाली है। और ये बॉम्बे बेकरी की इस तरह की इनकी पैकिंग होती है, ये मेरे ख्याल बारीक वाला डब्बा जो है ये उसका है, कॉफी केक का है। भाई एक पाउंड सिर्फ मतलब 400 रुपए का ये प्राइस मेरा ख्याल है। वैसे नॉर्मली जो फैंसी केक्स की दुकानें हैं उनके हिसाब से 400 रुपए का एक पाउंड कुछ भी नहीं है। चाय बहुत गर्म है और ये हम अपना बॉम्बे बेकरी का केक जो है वो खोलने लगे हैं और अंदर कैसे सज बन के केक पड़ा हुआ है यार, क्या खूबसूरत किस्म का केक है। ऊपर और नीचे जो है वो ब्रेड है, बीच में भी मेरे ख्याल इनका कॉफ़ी का जो सीन है, इनकी ना तो कोई रेसिपी किसी को पता है ना इनकी कोई मेकिंग कोई देख सकता है, तो बस ये केक हमारे सामने हम इसको देख के अंदाजे लगा सकते हैं। ऊपर भी कॉफ़ी है, दरमियान में भी कॉफ़ी है। उठाएं जी, करें बिस्मिल्लाह। ओ यार मज़ेदार यार, एग्जैक्ट कॉफ़ी का जायका आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि कोई कॉफ़ी को आप मीठी थोड़ी सी मीठी कॉफ़ी को थोड़ी सी नहीं ठीक ठाक मीठी कॉफ़ी को आप खा रहे हो, मतलब पी नहीं रहे खा रहे हो, और डिट्टो जो आप कॉफ़ी पीते हुए जो आपको मज़ा आ रहा होता है वो वाला जायका है। अब इसके साथ अगर हम चाय पियेंगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं कॉफ़ी और साथ में चाय। कॉफ़ी केक के बाद हम लोग खोलने लगे हैं डबल चॉकलेट। और लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ डबल चॉकलेट केक ऑफ बॉम्बे बेकरी। ओए यार
इतना खूबसूरत तरीके से केक अंदर सच बन के पड़ा हुआ है। ये तो बहुत ड्राई चॉकलेट है, वो तो टूट रही है। अच्छा, जो डबल चॉकलेट है ये कॉफी है। इनकी बॉम्बे बेकरी के केक्स की जो शक्ल है वो इस तरह जिस तरह होममेड केक्स होते हैं, मतलब इजीली उसको बना के और प्रॉपर जो है वो मैंने फीते नाल उन्होंने गोल ही या चौरस में किया हुआ, मतलब ऊपर चॉकलेट डाली भी और जिस तरह घर के अंदर केक बनते हैं। ओए 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 यार। अच्छा, ये ड्राई केक्स हैं, क्रीम वगैरह वाला कोई सीन नहीं है इसके अंदर, जो मतलब मोस्टली ड्राई केक्स किसी भी बेकरी से आपको मिलते हैं। टेक्सचर इसका वो वाला है और ऊपर जो है वो इसके अंदर भी ऊपर भी फुल डबल चॉकलेट। अच्छा, इनके कॉफ़ी केक के अंदर भी और चॉकलेट केक के अंदर भी जो इनके ऊपर से वो चॉकलेट की पूरी लेयर है ना, वो जब आप उसको चुबाते हैं तो हल्का सा क्रंच उसके अंदर आता है। वो पता नहीं अब वो क्यों, वो ड्राई होने की वजह से ऐसे ये जो भी सीन है, मतलब आप खा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो दांत में ना इस तरह पिस रही है, वो एक फील नहीं होता, वो एक इस तरह वाला वो सीन, वो वाली चॉकलेट। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग इस टाइम आए हैं जी, कौन सी बिरयानी? हामिद पुलाव। हामिद बिरयानी लेकिन पुलाव ऐसे ही है नाम, नाम हामिद बिरयानी है लेकिन होता है इनके पास पुलाव है। और ये हैदराबाद का एक अलग सा सीन है कि मतलब इस टाइम फुल गर्मी हो जाती है दोपहर को लंच टाइम में और सुबह और रात को इंतहाई ठंड हो जाती है। ये हमेशा ऐसे होता है? अक्सर ऐसे ही होता है। अभी भी हवा बहुत अच्छी है, अगर छाँव में खड़े हो तो बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन धूप में खड़े हैं तो गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो हामिद का पुलाव खाने हम लोग आए हुए हैं और रोड कौन सी है? ये यूनिट नंबर 9 लतीफाबाद के अंदर हामिद का पुलाव होता है। इनके पास एक चिकन पुलाव की देख पड़ी हुई है, एक बीफ पुलाव की देख पड़ी है। मज़े का बीफ पुलाव है, मतलब बीफ पुलाव इनका हम लोग ट्राई करेंगे। मैं वैसे भी जहाँ पे बीफ की ऑप्शन हो वहाँ पे चिकन फिर नहीं। ये ऊपर सारे फ्लैट्स हैं और नीचे उनके हामिद पुलाव है और एक प्योर हैदराबाद की वाइब के साथ यहाँ पे पुलाव का अन्य वास सीन लगा हुआ है। वो डाल डाल के जो है वो दे ही जा रहे हैं और अंदर लोग बैठे हुए हैं वो खा रहे हैं और पैक करवा के भी लोग लेके जाते हैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उनके अंदर भी लोग खाते हैं। एक देख ख़त्म होने के बाद इनकी दूसरी देख आ गई है, अभी ये इस देख को निकाल के वहाँ पर लेके जाएंगे। भाई बीफ की देग आने के बाद जो रश बड़ा, किस तरह एकदम रश हुआ है लोग बिल्कुल जैसे शादी पे नहीं होता। मेरी मम्मा के चैनल को शाउट आउट देना, दे दो खुद दे दो, कुक विद अनीला को शाउट आउट। ठीक है, इनकी मम्मा के कुक विद अनीला को शाउट आउट, जबरदस्त। ठीक, ओके शुक्रिया, ओके ओके, कोई बात नहीं। हमने अपनी अपनी प्लेट जो है वो ले ली है क्योंकि वहाँ अंदर बहुत ज़्यादा रश है, बैठने की खास जगह है नहीं, तो हम लोग बैठेंगे अपनी गाड़ी के अंदर। और इस पुलाव को जो मैंने मतलब इसके ऊपर, ये पहली बार मैंने देखा है कि इसके ऊपर इन्होंने हलीम के अंदर जो प्याज डालते हैं फ्राई हुआ हुआ वो इसके ऊपर डाला है इन्होंने ऐसे ही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं खा लेता हूँ। इसकी बाकी चीज़ों के अंदर डिटेल में बाद में जाते हैं, मुँह में पानी आ रहा देख रहे हो। ओए यार, हाय, ओए ओए, आहा भाई, इतना मज़ेदार पुलाव है, मतलब मैं खाने के बाद भी मैं इसको बोलूँगा ये पुलाव ही है, बिरयानी वाली इसके अंदर कोई वाइब नहीं है। पता नहीं इसका नाम बिरयानी क्यों है, लेकिन खाते हुए पूरा यखनी वाले पुलाव की आपको फील है। बीच में बीफ आ रहा है और ऊपर जो फ्राई हुए प्याज आ रहे हैं ना बीच में, जिस तरह आपको हलीम के साथ आते हैं, वो जायका पुलाव के साथ जब ऐड हो रहा है, पहली दफ़ा खाया मैंने इस तरह से, वो एक बिल्कुल अलग सा आपके मुँह में वो प्याजों का जायका आपको फील हो रहा है और साथ में बीफ की जो गेम ऑन हो रही है। हाय हाय, अमूमन एक प्लेट के अंदर जो है वो 3 से 4 बीफ के पीसेज होते हैं ऐसे ही है, लेकिन हमने उनको कहा कि भाई बेशक
पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमें बीफ जो है वो तसल्ली बख्श दो, क्योंकि खाने में आखिर तक हमें मज़ा आए। और बीफ जो है वो बहुत वेल कुक्ड है, लेकिन टेंडर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सख्त वाला बीफ है। जिस तरह अक्सर बीफ दो तीन तरीक़ों से बनता है, तो एक होता है बिल्कुल नरम, उसकी अलग चस होती है, एक होता है थोड़ा च्यूई सा, ये वो वाला है। अच्छा, पुलाव का इतना अखीर सीन है कि बीच में डिफरेंट स्पाइसेस फील हो रहे हैं, जो सही मतलब आपके मुँह में जाके जो है ना मज़ा करवा रहे हैं, चटपटा सा, ज़रा मिर्ची सी। लेकिन एक पूरा यखनी पुलाव के भी इसके अंदर जो है वाइब है। यखनी पुलाव मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो ये यखनी पुलाव प्लस जो है वो स्पाइसी पुलाव है। और बीच में जो वो च्यूई बीफ आता है ना, वो आपको ऐसे जब चबाते हुए जो पुलाव के साथ ऐड होकर मज़ा दे रहा है ना, वो अच्छा। ये जो फ्राई प्याज होते हैं, ये मैं हलीम के साथ भी बहुत कम ही ऊपर डालता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं करवाते। लेकिन इसके अंदर पुलाव के साथ जब वो क्रंची सा वो प्याज आ रहा है ना मुँह में, और उसका जो टेस्ट आ रहा है हल्का सा, वो इतना मज़ेदार लग रहा है। मतलब स्पाइसी प्लस यखनी, माइल्ड प्लस वाइल्ड प्लस प्याज, और साथ में बीफ, बड़ी यार आला कम्बिनेशन है। आए हाय हाय हाय, ये मज़ा आया मुझे प्रॉपर। जिस तरह पेशावर का अगर आप काबुली पुलाव खा रहे हो, उसको बस आप थोड़ा स्पाइसी कर लो। भाई आपका इस टाइम है हैदराबाद में, ये आपको पता ही है वैसे, और हैदराबाद के अंदर क्या चल रहा है अपना हैदराबादी बॉयज, इन्होंने मुझे ये अजरक पहनाई है, ताज़ी लेके आए हो ना? अच्छा, ये सिर्फ हमारी जो इंस्टा वाली फैमिली है, इंस्टा की मोहब्बत भरी फैमिली। मैंने इंस्टा पे एक छोटा सा मीटअप अनाउंस किया था 4-5 घंटे पहले, तो ये मुझे लग नहीं रहा था कि वीक डेज के अंदर ये लोग अपनी ट्यूशन अकेडमीज को है पढ़ते भी हो पढ़ी लिखी आवाम है यार अपनी, क्या हो गया। तो ये सब लोग जो हैं अभी मीटअप शीटअप पे आए हैं, और इनसे मैं कोई 15-20 मिनट से हमारी गुफ्तगू चल रही है। अभी थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग करने के बाद इनके साथ हम ज़रा थोड़ी और 10-5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात आप लोग कहना चाहते हो? हमजा भाई, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ठीक है, हमजा भाई जिंदाबाद, हमजा भाई जिंदाबाद, हमजा भाई जिंदाबाद, हमजा भाई जिंदाबाद। बस 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 बस, ये आपका भाई वाकई पकड़ा नहीं जा रहा। चलो मैं बोलूंगा अन्नी पादो, आप लोग बोलना पोगला। अन्नी पादो, अन्नी पादो, मुझे नारे लगवाने के लिए को रख ले। थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद के जो भी लोग मीटअप पे आए, भाई आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हैदराबाद के लोग क्रेज़ी हैं, पहले खाने ने दिल जीता है, अब लोगों ने दिल जीते हैं, सब आपका यही प्यार है। मतलब जो लोग मिलते हैं उनका फिर पता लगता है कि एक इतना कनेक्शन फील होता है, और आप में से जो नहीं मिलते वो भी कभी कभी पब्लिक में मिलते हैं, तो ये भाई आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग अपना अगला खाना खाने आए हैं, हमारा आज का सेकेंड लास्ट स्पॉट है। कौन सी जगह है जी? ये हैदराबाद दरबार, हैदराबाद दरबार होटल, बाईपास वाला हाईवे है ना ये, यहाँ से हाईवे गुजर रहा है। और ये दरबार होटल जो है, ये बहुत मतलब मुझे दरबार जो है वो नाम सुन के लग रहा था कि ठीक है कोई देसी जगह होगी, खाना इनका प्योर देसी है, लेकिन ये रेस्टोरेंट ऐसे है जिस तरह आपको लगता है कि जंबो साइज और फैंसी किस्म का बना हुआ है। ये शुरू से ऐसे फैंसी है या थोड़ा बहुत था? थोड़ा बहुत फैंसी था पहले से, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कर लिया। अभी तो भाई वो ऐसे मतलब बड़ी खूबसूरत एक अलग वाइब है, एक तो हाईवे पे है और वो उसकी बना हुआ इतना प्यारा है, एक ऊपर टेरेस मुझे उसका नज़र आ रहा है, मुझे मेरा दिल कर रहा है वहाँ पर बैठ के खाना खाया जाए। ये यहाँ से जो पार्किंग में सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ तक, और फिर उस जगह पे भी बहुत खड़ी हैं, और वहाँ से लाइन शुरू होती है गाड़ियों की यहाँ तक सारी, ये सारा रश जो है वो दरबार होटल के लिए। अभी हम लोग आए हैं दरबार रेस्टोरेंट के किचन में, और इसका किचन जो है वो मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है ये करने वाला, कि अगर आप कभी सही फूड लवर हो तो इनका किचन एक मतलब ऐसा किचन मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट का नहीं देखा। एक तरफ इनकी जो है वो हांडियाँ बन रही हैं, और साथ ही इन्होंने ओपन मसाले रखे हुए, इस तरह किचन के अंदर आने की इजाज़त है नहीं, हमने थोड़ी सी एक्सेस ली उनसे। एक तरफ इनका सारा चाइनीज़ का सेटअप है, बड़े बड़े शेल्फ लगे हुए हैं, चाइनीज़ वाले में चाइनीज़ वाला सामान बन रहा है, बीच में ही एक तरफ चाय बन रही है, उसके अलावा एक तरफ रोटियाँ छोटियाँ बन रही हैं, और एक तरफ इनका प्योर देसी जो कढ़ाइयाँ मटन कढ़ाई और ये चीज़ें सारी बन रही हैं, मतलब प्योर आपको देसी खाने मिल रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट थोड़ा सा बहुत ही क्लीन और बहुत ही ज़रा फैंसी टाइप है। ये खड़े ही कि हमारी वीडियो बनाओ साथ में, तो अभी
कुछ कुछ बताओगे हैदराबाद का तो फिर ही कुछ वीडियो बनाने का फायदा होगा। बताओ उसको ना। चाय आगे सर अच्छी है। ये हमारी चाय हमारी टी हमारी राजा ये हमारा उस्ताद है और हाँ जी सर एक माइक है। किचन के एक साइड से हम लोग एंटर हुए थे और इतना बड़ा कितना टोरदा टोरदा मंदा था आखिर मजाक कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे जो इनका वो अब हम जिस साइड से बाहर आ रहे हैं इस साइड पे इनका मीट वगैरह सारा यहाँ पे लगा हुआ है। कोई भी आप अपनी मर्जी से मटन कटवाएं जो भी चीज़ कटवानी है और बारबेक्यू वाला सीन यहाँ पे हैवी किस्म का लगा हुआ है। यूट्यूब में जाना मैं आएंगे ना इसके अंदर सांप है नहीं नहीं अच्छा भाई हमें तो इन्होंने टेरेस पे बिठा दिया लेकिन अगर आप फैमिली के बगैर आ रहे हो तो टेरेस पे बैठने का सोचना भी ना टेरेस पे नहीं बैठने देंगे इस तरह बगैर फैमिली के। हमारा बेहतरीन किस्म का खाना जो है वो हमारे सामने आ गया और कढ़ाई है हमारे पास वाइट हांडी है चांपे हैं और साथ में एक बड़े खूबसूरत सा इनका हॉट पॉट है नान रखने के लिए। सबसे पहले चेक करते हैं चांपों की शक्ल जो है बड़ी मज़ेदार लग रही है प्योर बारबेक्यू सीन हुआ है थोड़ी सी जो बारबेक्यू कड़ाका बारबेक्यू होता है और साथ में इन्होंने हमें दी इमली की चटनी तो वह जा रहा है सही है। उसके अलावा ये है जी मटन कढ़ाई और मटन कढ़ाई देखने में बड़ी नस्ली किस्म की मटन कढ़ाई लग रही है और मटन कढ़ाई के अलावा हमारे पास है वाइट हांडी और हांडी बनने का जो मैं शपैक देख के आया हूँ सही बेहतरीन जिस तरह इसी हांडी के अंदर ही ये मिट्टी की जो होती है इसके अंदर ही ये इसको बनाते हैं। ओए चांप की गेम इतनी स्ट्रांग है कि इसके अंदर मसाले जो है ना वो ऊपर मतलब जब आप इसको खा रहे हैं ना तो मसाला पूरा पूरा इस तरह फील हो रहा है बड़ी थिकनेस के अंदर और साथ में अंदर तक इसके मसाला पहुंचा हुआ है। ऐसे नहीं लग रहा कि मुझे बहुत चांप को खींचना पड़ रहा है ईजिली मैंने इसको ऐसे किया और चांप मेरे मुँह। चांपों के बाद मैं ट्राई करूँगा मटन कढ़ाई और मटन कढ़ाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखने में वो फुल टाइम मज़ा करवा रही है कि मटन कढ़ाई जो है वो प्योर उसके रेड चिली के अंदर बनी हुई है और सारी ऐसे ज़रा खूबसूरत लाल लाल सी करके और साथ में जो नान है मैं कढ़ाई के साथ नान खाता नहीं हूँ लेकिन ये नान इनका देखने में बहुत मज़े का लग रहा है तो थोड़ा सा मैं नान ट्राई करूँगा पहले वैसे ही नान खा के देखते हैं। मज़ेदार नान के साथ पहले कढ़ाई थोड़ी सी ट्राई करते हैं उसके बाद जो है रोटी की तरफ। ओए होए भाई इतनी मज़ेदार मटन कढ़ाई है एक प्योर जो ऑथेंटिक आपको कोई ढाबे वाली फील है वैसा नहीं है लेकिन बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनी हुई है प्योर मसालों के साथ और इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की है बीच में टमाटर का ग्रीन चिली का और साथ में जो लाल मिर्च का बीच में प्रॉपर जायका आ रहा है और नान के साथ भी पूरा मज़ा करवा रही है। इसके साथ मैं रायता बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा इस मटन कढ़ाई के साथ। कढ़ाई का टेस्ट इतना शपैकी किस्म का है बीच में खाते हुए जो है ना वो फील आ रही है कि मैं शनवारी कढ़ाई खा रहा हूँ जिस तरह से इसके अंदर टमाटर की एक प्योर वाइब है और साथ में मटन इतना आला किस्म का बना हुआ है और साथ में मटन खाते हुए प्रॉपर जिस तरह आपको एक मसालेदार शनवारी कढ़ाई मिल रही है वो वाला सीन है। ओए ओए ऐसे 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 करने का दिल करता है कि आप मसाला जो है उसको अच्छी तरह से ऐसे इंजॉय कर रहे हो मुंह के अंदर इतना आला मसाला आ रहा है। जितनी देर में हमने चांपे और मटन वगैरह खाई तो हांडी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी हमने उसको दोबारा गर्म करवाया और अब जो है हांडी उसके अंदर से वो ऐसे उबल रही है जिस तरह अभी भी वो स्टिल आग के ऊपर पड़ी है। हमें इन्होंने ये अपनी रुमाली रोटी भी ला के दी है और ये रुमाली रोटी इस तरह बिल्कुल बारीक सी होती है पेपर की तरह लेकिन मुझे इनके नान ने जो टेस्ट करवाई है तो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है वो रोटी से थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ। इंतज़ार नहीं हो रहा चिकन हांडी के लिए पहले खा लें उसके बाद ज़रा कमाल होगी। अच्छा मक्खनी हांडी के अंदर जिस तरह देसी मक्खन अगर आपने खाया कभी साग के साथ या पराठे के ऊपर लगा के तो इसके अंदर से वो फुल मक्खन का पूरा एक जो है वो आपके मुंह में फील होता है कि इतना एक मज़ेदार वो बीच में से एकदम से आता है और जो इसकी ग्रेवी है वो इस तरह थिक है जिस तरह आग पे पड़ी बहुत तेज़ आग के ऊपर ये पकती रहती है तो उसकी वजह से ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई है इसकी और इसकी जो तरी है बीच में वो एक अलग टच मार रही है। बाइट लेते ही मुँह के अंदर जाके ऐसे घुलता है बहुत ज़्यादा बटरी सी फील है। इनके हैदराबाद के मसालों का भाई हो गया फ़ैन जिस तरह हर चीज़ के अंदर स्पाइसेस हैं लेकिन वो स्पाइसेस आपको चुभते नहीं है बड़ा मज़ा करवाते हैं कि ओए वाह यार कितना मज़ेदार मसाला है और ये इसके अंदर भी वही सीन है मक्खन और साथ में सही यार एक बेहतरीन किस्म की हांडी कढ़ाई भी इनकी उसी तरह और कढ़ाई और हांडी के बाद में चांपे बहुत मज़े की थी लेकिन भाई वो फिर आप शुरू में ही खा लो तो खा लो उसके बाद चांपे नहीं खा पाओगे वो मतलब इन चीज़ों के सामने जो है ना आपको बाद में वो मज़ा नहीं कराएगी पहले बार भी क्यों खा लो जो खाना सहनी हमें
सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है हर चीज। मेमन रोड मेमन हॉस्पिटल के साथ निषाद लस्सी हम पीने के लिए आए हैं। मुझे यहाँ पे लस्सी का जो हैवी सिस्टम चल रहा है, मतलब ये वाला जो क्रेजी सीन है, या मैंने जेदे की लस्सी लाहौर पे देखा हुआ है या फिर यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे देखा है। अन्य वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वो फिर ग्लासों में लस्सी बनती है, डलती है और टोकन लगते हैं। टोकन लगने के बाद फिर जो है इकट्ठा लोगों को वो मिलता है तकरीबन 50-50 गिलास। और क्या सीन है, ये सबसे हैदराबाद का अभी तक का मैंने जो एरियाज देखे हैं उनके अंदर सबसे रशी एरिया ये है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो पूरा खोया है और मलाई की भी एक लेयर है और लस्सी है। पीता हूँ जल्दी, इसका मज़ा ख़राब ना हो जाए। ओए ओए यार, मज़ेदार चीज़ है। ऐसे लग रहा है कि ऊपर बर्फ़ी पड़ी हुई है, खोया जो है वो पूरी मुझे तो लगता है बर्फ़ी है और वो नीचे एक मलाई की पूरी थिक लेयर है और लस्सी जो है वो खुद पतली है, लस्सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। अच्छा, लस्सी इटसेल्फ जो है वो ओके ओके है, लेकिन ऊपर जो इसके खोया था और ऊपर जो मतलब मलाई की लेयर है उसने बड़ा इसको यूनिक सा किया और उसका टेस्ट भी शुरू में बहुत डिफरेंट आया, बहुत मज़े का। उसके बाद नीचे जाके लस्सी सो है भाई। अभी लास्ट शॉट के बाद गूगल मैप पे हमने डाला अंदरून से, बहुत ही अंदरून था वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। और उसके बाद जो हमारे साथ हुई है, मेरी फुल टाइम ब्लास्ट हुई थी, मैप ने हमें फंसा दिया अंदरून की, हैदराबाद अंदरून की बारीक गलियों में जहाँ पे गाड़ी चल रही थी तो मतलब साथ बंदा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। मैंने तो वहाँ पे कैमरा भी नहीं ऑन किया भाई, अपनी फुल ब्लास्ट थी। मुझे असल टेंशन ये हो रही थी कि रात के 1:16 हुए में और हम अंदरून की गलियों में फिर रहे थे जहाँ पे गाड़ी गुजर रही तो पैदल नहीं गुजरा जाता, और एक अलग ही वाइब थी। पता नहीं, शुक्र है निकल के हम बाहर रोड पे आ गए। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करें भाई को दुआओं में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और ये हैदराबाद सीरीज़ का हमारा लास्ट पार्ट था, ख़त्म। यहाँ से आगे शुरू करेंगे एक नई चीज़।